चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमने अभी तक इकोनॉमिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट और टर्म्स हमने समझे थे, जिसमें पहले हमने प्राइस और वैल्यू के बारे में समझा था, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट हमने समझा, एंड वेल्थ और वेलफेयर, इन दोनों के बारे में भी हमने समझा था, वेल्थ एंड वेलफेयर। अब हम लोग इकोनॉमिक्स का दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन मीन्स कहलाता है कोई भी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स या तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कि जिससे हमारी ह्यूमन नीड सेटिस्फाइड हो, तो उसे प्रोडक्शन कहते हैं। सही बात है ना? जो भी रॉ मटेरियल होता है उसे फाइनल गुड्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो कि जिससे हमारी नीड सेटिस्फाइड होती हो, तो वो प्रोडक्शन कहलाता है। और प्रोडक्शन करने के लिए जो भी चीज़ों की यूज़ होता हो ना, जो भी चीज़ों का यूज़ होता हो ना, तो उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कहते हैं द एजेंट्स विच हेल्प इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो एजेंट्स, मतलब जो चीज़ें आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प देती है ना, उनको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो चीज़ें आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प देती हो, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। कहते हैं कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए ये चार फैक्टर्स, ये चार चीज़ें ज़रूर यूज होती हैं। जिनमें से पहले के टाइम में ऐसे कहते थे कि ये चारों फैक्टर्स, ये तो चार पार्ट अभी हुए, पहले इन्हें सिर्फ दो ही कैटेगरी कहते थे। एक कहते थे कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए एक नेचुरल चीज़ें चाहिए, नेचुरल थिंग्स की ज़रूर होती है, और दूसरा ह्यूमन बींग्स की ज़रूर होती है, नेचुरल चीज़ों की और ह्यूमन बींग्स की, इनकी ज़रूर होती है। लेकिन फिर आगे चलकर ये क्लैरिफिकेशन हुआ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये चार फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों के बारे में समझें। सबसे पहले लैंड के बारे में समझें। तो लैंड मतलब अर्थ या जमीन, हमारे माइंड में सबसे पहला टर्म यही आता है, मतलब जमीन। लेकिन प्रोडक्शन के लिए लैंड मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं कहलाया, लैंड मतलब कहलाया हर तरह की नेचुरल एसेट्स, कोई भी तरह की नेचुरल थिंग कि जिसका प्रोडक्शन में यूज़ होता हो, तो वो लैंड कहलाता है। समझ रहे हो ना? यहाँ लैंड मतलब सिर्फ और सिर्फ ज़मीन मत समझना, यहाँ पर लैंड मतलब कोई भी तरह की नेचुरल थिंग, जिसमें ज़मीन भी आ गई, अर्थ, वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, जो फर्टिलिटी, इवन मिनरल रिसोर्सेस, ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स मिलते हैं, ये सब भी लैंड में काउंट होते हैं। ओके, तो लैंड मीन्स ऑल टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स जिसका यूज प्रोडक्शन के लिए होता हो। और इनका क्लैरिफिकेशन अगर करना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है, लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट्स नॉट मैन मेड। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट्स नॉट मैन मेड, कि ये नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं, ये मैन मेड नहीं होती, हर तरह की नेचुरल थिंग्स वो लैंड में आता है। देन द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लैंड का टोटल सप्लाई हमेशा फिक्स होता है। नेचुरल बनी हुई चीज़ें जिनका सप्लाई फिक्स है, उसे हम लोग खुद बना सकते नहीं हैं। लैंड की कोई भी चीज़ है, मतलब नेचुरल कोई भी चीज़ है, वो हम नहीं बना सकते, वो जितनी है उतनी रहेगी, खुद बनेगी, खुद तैयार हो जाएगी, लेकिन हम उसे बना सकते नहीं हैं, ठीक है ना? तो उसका टोटल सप्लाई हमेशा फिक्स होता है। लैंड इज जियोग्राफिकली इमोबाइल, लैंड को जियोग्राफिकली अगर कहें तो वो इमोबाइल है। इमोबाइल मतलब एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मुश्किल है, नहीं कर सकते ट्रांसफ़र। जैसे अगर आप कोई ज़मीन का टुकड़ा ही ले लो, कोई थिंग्स हो, मिनरल्स हो, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप ज़मीन का टुकड़ा अगर कोई लेते हो, तो वो इमोबाइल है।
अब यहाँ की कोई जमीन तोड़कर आप लोग दूसरे देश में थोड़ी ले जाओगे, या दूसरी प्लेस पर तो नहीं ले जा सकते ना। इसीलिए लैंड वो जनरली क्या कहलाता है, इमोबाइल, मतलब उसको ट्रांसफर कर सकते नहीं है। देन ऑल टाइप्स ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो ऑन। हर तरह के लैंड वो फर्टिलिटी के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ भले आप जमीन के बारे में ही समझो, तो फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, वह उसके हिसाब से हर जमीन अलग अलग तरह की होती है। या दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी समझो, तो वो भी हर जगह पर सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज़्यादा याद करने वाला पॉइंट कि लैंड का रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब क्या कहलाता है, आप कोई भी चीज़ को यूज़ करो तो उसके बदले में जो इनकम मिलती हो वो रेम्यूनरेशन कहलाता है। तो लैंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है, उसके यूज करने पर उसके बदले में जो मिलता हो तो उसका रेम्यूनरेशन क्या कहलाता है, रेंट। लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट। आप कोई ज़मीन हुई जैसे, उसका अगर आप किसी और को दे रहे हो यूज करने के लिए, तो उसके बदले में आपको रेंट मिल सकता है ना। इसलिए सिंपल वे में आपको समझाया हुआ है कि लैंड का रेम्यूनरेशन, उसको यूज करने से हमें क्या मिलता है, तो रेंट मिलता है। ओके, तो लैंड के बारे में जैसे हमने समझा ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला, ऐसे ही दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो वो आता है लेबर। लेबर, लेबर जनरली, लेबर का मतलब होता है मजदूर, लेकिन यहाँ पर लेबर मतलब कहलाया कि ऑल टाइप ऑफ मैन वर्क, कोई भी तरह का इंसानों से किया हुआ काम वो लेबर कहलाया। फिजिकल या तो इंटेलेक्चुअल वर्क, कि जो भी ह्यूमन बीइंग फिजिकल या इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं तो उनके वर्क को लेबर कहा जाता है। फिजिकल वर्क भी आ गया, जो मजदूरी जैसा काम कोई भी तरह का, एंड इंटेलेक्चुअल वर्क मतलब नई आइडियाज़ बनाना, नई सोच ले आना, ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क, तो वो कहलाता है लेबर। ठीक है, और लेबर की क्लैरिफिकेशन भी उनके कैरेक्टरिस्टिक से होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक से ये बात क्लियर होगी कि जैसे कि लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। कोई भी लेबरर से, मतलब कोई भी मजदूर से, उसका लेबर मतलब उसकी मजूरी सेपरेट कर सकते नहीं है। मतलब उनका टैलेंट, उनकी स्किल, उनका काम करने का ढंग, वो किसी से भी हम लोग अलग कर सकते नहीं है। हर लेबरर का लेबर अलग होगा, उसकी मजूरी अलग होगी, जो उसके पास ही होगी, उससे हम लोग छीन सकते नहीं है या अलग कर सकते नहीं है। सही बात है ना, कोई इंसान जो काम कर रहा होगा उसकी जो सोच होगी वो उसके पास ही होगी, उसकी सोच हम लोग अपने माइंड में ला सकते नहीं है। ऐसे सिंपल कहा जाता है कि लेबरर से, कोई भी मजदूर से उसकी लेबर मतलब उसकी मजूरी अलग नहीं कर सकते। देन लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, मीन्स इट्स पेरिशेबल। लेबर को स्टोर नहीं कर सकते, लेबर मतलब मजूरी, उसे स्टोर नहीं कर सकते, वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल पता है ना, वो शॉर्ट टाइम के लिए, जल्दी ख़त्म हो जाए, वैसे ही है। लेबर को स्टोर नहीं कर सकते, सही बात है ना। आप अगर आज काम कर रहे हो तो आज काम ना करो, ठीक है कि भाई मैं आज का काम कल कर लूँगा, ठीक है, आज की जितनी एनर्जी होगी उसे जो है मैं बचा कर कल काम कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज का दिन गया सो गया, वो नहीं कि आप यहाँ भले एक हफ्ते तक काम ना करो और एक हफ्ते में भाई 7 दिन का काम मैं एक साथ कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेबर को स्टोर नहीं कर सकते, वो जिस दिन काम करना है सो करना है, ठीक है, मतलब वो पेरिशेबल कहलाता है। दूसरा, द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन। मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर वो मोबाइल कहलाता है, मीन्स मोबिलिटी उसकी है। मोबिलिटी है मतलब लेबर को एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कोई भी इंसान को एक से दूसरी जगह ले जा सकता है ना, और वहाँ जाकर उससे काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब लेबर वो मोबाइल फैक्टर है, मोबाइल फैक्टर जो इजीली एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऊपर असर होता है सोशल और इकोनॉमिक रीज़न का।
सोशल रीजन या इकोनॉमिक रीजन, पता है ना, लोगों के ऊपर सोशल या इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, उसकी वजह से वो उनमें मोबिलिटी आती है या एक से दूसरी जगह जाते हैं। सोशल रीजंस कि जैसे सोसाइटी में भाई हमें अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, इसलिए लोग अपना गांव छोड़कर शहर में आते हैं, ये भी तो एक तरह की मोबिलिटी हुई ना, ठीक है ना, कि भाई हमें अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, वो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, या भाई सोसाइटी में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर सही नहीं है तो हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। इसके लिए लोग मोबाइल करते हैं, मीन्स कि एक से दूसरी जगह जाते हैं, या तो इकोनॉमिक रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न मतलब पैसों के रीज़न की वजह से, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, या तो फिर अच्छे पैसे कमाने के लिए लोग एक से दूसरे जगह तक जाते हैं। मीन्स लेबर में मोबिलिटी है, वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उस पर सोशल और इकोनॉमिक रीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं, असर करते हैं। देन द एफिशिएंसी ऑफ एवरी लेबर इज डिफरेंट, हर लेबर की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता वो डिफरेंट, अलग अलग होती है, हर लेबर की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, हर लेबर एक जैसा काम कर सकता नहीं है, एंड इट्स सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड ऑन पॉपुलेशन, सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, कौन से एरिया में कितना लेबर मिल रहा है, कितनी मजदूरी मिल रही है, मतलब कितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं, ये किस पे डिपेंड होता है, पॉपुलेशन पे। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको लेबर भी ज़्यादा मिलेगा, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए काम करने वाले लोग भी आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। वहीं अगर कोई प्लेस पर पॉपुलेशन कम हो तो आपको काम करने वाले लोग भी कम मिलेंगे, इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर ये किस पे डिपेंड होता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस, और रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर, लेबर के बदले में क्या मिलता है, तो लेबर के बदले में वेजेस मिलता है। किसी से मजदूरी करवाओ तो उसके बदले में क्या मिलता है, वेजेस, वेजेस मतलब उनकी सैलरी, उनकी मजदूरी, ठीक है, ये खास ध्यान रखा करो कि रेम्यूनरेशन किसका क्या है। जैसे हमने आगे लैंड में देखा कि लैंड का रेम्यूनरेशन रेंट होता है, रेंट मिलता है, वैसे लेबर के बदले में क्या मिलता है, वेजेस। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर, वो भी क्लियर हुआ। ऐसे ही दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखें तो वो आता है कैपिटल। कैपिटल कोई भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी प्रोडक्शन के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो आता है कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल मतलब कहलाता है हर तरह की मेन मेड थिंग्स, वो कैपिटल कहलाए। ध्यान से समझना, जैसे लैंड था, वो लैंड में हर तरह की नेचुरल थिंग्स वो लैंड में आती है, लेबर में आता है ह्यूमन पावर या मैन पावर, जो भी लोग काम करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो लेबर में आता है। और कैपिटल, कैपिटल मींस कहलाता है हर तरह की मेन मेड थिंग्स, मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हो, सुनना ध्यान से, ऐसा कह सकते हो कि लैंड जो है ना वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल है, उसको देख सकते हैं, लेकिन सब तरह की नेचुरल थिंग्स वो लैंड में आती है, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका है। लेबर वो इनटेंजिबल एसेट कहलाता है, इनटेंजिबल, उसे देख नहीं सकते, मतलब लोगों की काम करने की क्षमता, लोगों का टैलेंट, स्किल, ये सब लेबर में आया तो उसे देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल एसेट्स है। और कैपिटल, कैपिटल फिर से टेंजिबल एसेट्स कहलाती है, मीन्स हर तरह की मेन मेड थिंग्स, जो भी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें कैपिटल में आ जाती हैं। तो प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, जैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो तो उसमें सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो आपका कैपिटल कहलाया ना, ठीक है ना, सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, वो आपका कैपिटल कहलाया, कि हाँ इनके थ्रू फिर आप जो है वो नया प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। इनके बारे में और क्लियर करें तो उनके कैरेक्टरिस्टिक से क्लियर करें। कैपिटल का सिंपल लैंग्वेज कितनी जगह पर ऐसा भी मान दे कि कैपिटल मतलब मनी, पैसे, वो चाहिए, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमिक्स में कैपिटल मतलब कहलाता है हर तरह की मेन मेड थिंग्स, वो कैपिटल में आती हैं। फिर भी कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर समझे तो कहते हैं कैपिटल इज अ मेन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
जैसे मैंने बताया कैपिटल जो है वो मेन मेड फैक्टर है, देन इट इज़ द मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स। बाकी के तीनों फैक्टर्स के कंपैरिजन में कैपिटल सबसे ज़्यादा मोबाइल कहलाता है। सबसे ज़्यादा मोबाइल मतलब इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। कैपिटल ही ऐसी थिंग है, मतलब आप मनी गिनो या कोई भी तरह की मेन मेड थिंग्स गिनो, कि जैसे इजीली एक से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट मोबाइल ऑफ ऑल फैक्टर्स कहलाते हैं। देन द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम्स ओइंग टू इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ दिस फैक्टर। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना, यहाँ पर है कि एक कैपिटल इंटेंसिव मेथड, आपको पता प्रोडक्शन करने की दो मेथड आती है, प्रोडक्शन की दो मेथड्स आती हैं प्रोडक्शन करने की। एक होता है लेबर इंटेंसिव मेथड या तो ह्यूमन इंटेंसिव मेथड, दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। समझना ध्यान से, कोई भी प्रोडक्शन करने की दो मेथड आती है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड या तो ह्यूमन इंटेंसिव मेथड। ह्यूमन इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव मेथड वो कहलाती है कि जिसमें लोगों के थ्रू, लेबर के थ्रू जो है प्रोडक्शन होता है, मीन्स जहाँ पे लोगों के थ्रू काम होता है। कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ बनाना लोग अपने हाथ से बनाते हो, मशीनों का यूज़ करते नहीं हो, जो हाथ से चीज़ें बनती है उसे लेबर इंटेंसिव मेथड कहते हैं। और दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। कैपिटल इंटेंसिव मेथड मतलब मेन मेड चीज़ों से, या कहूँ मशीनों से जो चीज़ें बनती हो, प्रोडक्शन होता हो लेकिन किससे होता हो, मशीनों से होता हो। मतलब पहले के टाइम में लेबर इंटेंसिव मेथड ही चलती थी, पहले मशीनें तो होती नहीं थी, लेबर इंटेंसिव मेथड चलती थी। लेबर्स, लोगों के थ्रू प्रोडक्शन होता था, लोग हर चीज़ हाथ से बनाते थे खुद, ऐसे प्रोडक्शन होता था। और आज का प्रेजेंट टाइम, सबको पता है प्रेजेंट टाइम आज प्रोडक्शन कैसे होता है, मशीनों से। आज लोगों का काम ज़्यादा नहीं है, मशीन के थ्रू इजीली और जल्दी से प्रोडक्शन होता है कि नहीं। तो आज का प्रेजेंट टाइम ऐसा है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, मीन्स मशीनों के थ्रू अब जो प्रोडक्शन होता है। और इसकी वजह से आज कैपिटल की डिमांड ज़्यादा है, कैपिटल मतलब मेन मेड चीज़ें, मशीन्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा है कि नहीं। लिखा हुआ ना, द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल इन प्रेजेंट टाइम्स ओइंग टू इंक्रीजिंग कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ चुकी है, इसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में कैपिटल की डिमांड बहुत इंक्रीज होती जा रही है, मशीनों की, पैसों की, ऐसी मेन मेड चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। और इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है ना, इसी वजह से आज इस फैक्टर की स्कैर्सिटी हो चुकी है। स्कैर्सिटी मतलब अछत हुई है, कमी होती जा रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जितना ज़्यादा यूज़ करते जाओ, जितनी ज़्यादा डिमांड करते जाओ, आखिरकार वो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म तो होगी ना, उसकी स्कैर्सिटी तो आएगी ना। तो इसीलिए यहाँ इस टॉपिक में ऐसे दिया हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में कैपिटल इंटेंसिव मेथड अपना रहे हैं, मशीनों के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसी की वजह से आज कैपिटल की स्कैर्सिटी होती जा रही है, मतलब कैपिटल की कमी होती जा रही है। हर तरह की मेन मेड चीज़ें, इनकी स्कैर्सिटी क्रिएट हो रही है, ओके। और ऐसे ही द रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कैपिटल का रेम्यूनरेशन मतलब कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। यहाँ कैपिटल मतलब पैसे बदले, सोचो तो पैसे के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सही बात। और ऐसे ही कैपिटल के बाद आता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर हम लोग किसे कहते हैं, कहते हैं दिस फैक्टर इज अ डिसीजन मेकर ऑफ एक्टिविटी। ये ध्यान से समझना, एंटरप्रेन्योर मतलब वो कहलाता है कि जो बाकी के तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल करता हो, बाकी के तीनों फैक्टर्स को जो संभाल कर चलता हो, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। आगे के जो तीन फैक्टर हुए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को जो संभाल कर चलता हो, उन तीनों का जो मैनेजमेंट करता हो, तो वह एंटरप्रेन्योर। तो अब माइंड में क्लियर करो कि आपको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो ना, कोई भी चीज़, तो उसके लिए आपको ये चार चीज़ें चाहिए, ये चार फैक्टर्स चाहिए। आप कोई भी चीज़ का एग्जांपल लो,
जैसे अगर आपको कोई जो है वो शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, आपको शर्ट बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए पता है? लैंड, जमीन, मतलब नेचुरल थिंग्स, नेचुरल चीज़ें चाहिए। चाहिए कि नहीं? नेचुरल चीज़ें जिसमें आपकी ज़मीन भी आ गई, जहाँ आप फैक्ट्री खड़ी कर सको, ठीक है, अगर आपको शर्ट बनानी है तो। फिर उसमें रॉ मटेरियल भी आ गया कि जो आप कॉटन शर्ट अगर बनानी है तो एग्रीकल्चर से आप कॉटन लेकर आओगे। ये सब आपका क्या कहलाया? लैंड कहलाया, नेचुरल थिंग्स। फिर वही शर्ट बनाने के लिए दूसरा आपको चाहिए लेबर। लेबर मतलब काम करने वाले लोग चाहिए। आपको फैक्ट्री चलानी है तो फैक्ट्री में जो भी मशीन्स वगैरह चलेगी तो उसे चलाने के लिए लोगों को भी तो ज़रूर है ना, ठीक है ना, तो वो लेबर की ज़रूर होगी। तीसरा कैपिटल, मतलब मैन मेड थिंग्स, हर तरह की मैन मेड थिंग्स जिसमें आपको मशीन्स चाहिए। टी शर्ट बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए मशीनें चाहिए होगी, दूसरे कोई भी मैन मेड मटेरियल चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे, कैपिटल को पैसे ही समझो, वो चाहिए होंगे, चाहिए कि नहीं ये सब। और फोर्थ चाहिए होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे, आपके बिजनेस का मैनेजमेंट करने वाला पर्सन, मैनेजर का हो, मालिक का हो, या कोई भी जो पूरे सब चीज़ों को मैनेज करके चलता हो, जो सबका सुपरविजन करता हो, जो सबका मैनेजमेंट करता हो, ठीक है, वो पर्सन कहलाता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस आखिरी के बारे में समझे तो ये कहलाता है दिस फैक्टर इज डिसीजन मेकर ऑफ द एक्टिविटी। हर एक्टिविटी, कोई भी तरह के काम में डिसीजन मेकर ये कहलाता है। इसका काम ही है डिसीजन लेना, जो भी प्रॉब्लम आती हो, जो भी सिचुएशन क्रिएट होती हो, उसके रिलेटेड डिसीजन लेने का काम इसका है। दिस फैक्टर इज नोन एज द रिस्क टेकिंग फैक्टर। ये रिस्क टेकिंग फैक्टर भी कहलाता है क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस का रिस्क ये, इसे आप बिजनेस का मालिक ही समझो ना, तो सबसे ज़्यादा रिस्क तो यही लेता है ना, ये रिस्क टेकिंग फैक्टर है। इट पजेस द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनके अंदर कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब सबको जोड़ कर रखना, आगे के तीनों फैक्टर्स को जोड़ कर रखने का काम इसका होता है, इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी है, सभी चीज़ों को जोड़ कर रखने की क्वालिटी। एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर, रेम्यूनरेशन ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड प्रॉफिट। और इसका रेम्यूनरेशन, ये जो आखिरी में काम करे तो इसके बदले में इसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसका रेम्यूनरेशन प्रॉफिट कहला है। हमने सबका रेम्यूनरेशन समझा ना, जैसे लैंड का रेम्यूनरेशन रेंट आता है, लेबर का रेम्यूनरेशन वेजेस, कैपिटल के बदले में उसका रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर का रेम्यूनरेशन प्रॉफिट, ये मालिक कहला है। ये जो तीनों को मैनेज करके फाइनल प्रोडक्शन करेगा तो उसके बदले में उसे मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का सच में बेसिक एक कॉन्सेप्ट। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब तक आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे तब तक ये चारों कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमेशा इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो आज जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, ऐसे ही अब इकोनॉमिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।